हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला मान दिया है x = 0 और दूसरा मान दिया है x = -1 और तीसरा मान दिया है x = 2। तो हमें इस मान को इस बहुपद में रखना है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5 है और यहाँ x की जगह 0 लिख देंगे माइनस। अब ये 4, तो यहाँ x है, यहाँ भी 0 लिख देंगे। तो जो ब्रैकेट के बाहर वो संख्या होती है तो उसके उसमें मल्टीप्लाई होती है, तो कर लेते हैं 5 0 = 0 - 4। 0 का स्क्वायर क्या होएगा, 0 और प्लस 3। अब 0 माइनस, अब 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 0 = 0 + 3। अब ये दोनों 0 तो कट गए, तो हमारा आंसर क्या आया, 3। तो इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। चलिए 5, यहाँ x है तो यहाँ x से यहाँ पर -1 लिखेंगे ऐसे। अब माइनस है 4, यहाँ भी x है तो x की जगह -1 लिखेंगे +3। तो अब इनकी मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसकी मल्टीप्लाई होती है, तो पहले चिन्ह की करते हैं, प्लस माइनस माइनस और 5 = 5। अब -4, तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या होएगा, तो -1 का स्क्वायर होगा हमारा, तो पहले चिन्ह की करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 1 = 1, तो हमारा 1 होएगा, तो 1 और प्लस 3। अब बराबर -5 और -4 की इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर मैंने आपको बताया था, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 4 = 4 और प्लस 3। तो अब जोड़ लेते हैं इनको, 5 और 4 9 माइनस के और प्लस 3, तो माइनस के 9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -6 आंसर। तो दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो तीसरा आपको स्वयं करना है, अगर करके आपको कमेंट बॉक्स में भेज देना है।